G20 के बाद अब वन डे का मैदान सरफराज, पहले फॉर्मेट में सरफराज, अब नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला एक रोजा मैच आधे घंटे में शुरू होगा। मरकजी निगाहों की हसन अली, बाबर आजम और शादाब खान सीरीज जीत कर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेहमान या मेजबान। पनामा केस का फैसला अशराफिया के तर्ज हुकूमत को बदल देगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब, कहा उम्मीद है फैसला आइंदा हफ्ते आ जाएगा। गवर्नर सिंह का बयान बेवकूफाना है। साहिल शरीफ ने दहशतगर्दी का कला कमा किया, मुस्लिम फौजी इतिहाद में शामिल नहीं होना चाहिए। सियासत में लोग सिर्फ पैसा बनाने आते हैं। इमरान खान समझते हैं सिर्फ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। साद रफी कहते हैं इमरान खान को जमहूरियत के हुस्न की समझ नहीं आती। जनरल राहील शरीफ ने बहुत जाफेशानी से क़यादत संभाली। चौधरी निसार बोले साबिक हुकूमत में हर रोज करप्शन का नया केस सामने आता था। नून लीग ने बहुत सी बीमारियों की तशखीस और इलाज किया। वो बनिया हमें कहता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा। सीपैक ये पाकिस्तान के लिए बनाया। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आसिफ जरदारी कहते हैं बलोच आवाम गुमराह लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो। हुकूमत नहीं समझती कि सी पैक सबके लिए है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुतबादल रास्ते ढूंढ रखे हैं। साबिक सदर का जाफराबाद में खिताब। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साबिक सिपाही सालार के मद्दा, कहते हैं मुल्क में अम जनरल राहील शरीफ और हुकूमत की वजह से कायम हुआ। गवर्नर सन बयान देते हुए ओवर रिएक्ट कर गए। मौला बख्चांडियों ने कहा कि गवर्नर जुबैर जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन बात तो तब थी अगर राहील शरीफ की आर्मी चीफ होते वक्त वो ये बयान देते। कराची में अमन बड़ा चैलेंज था। शहर में जराम की वारदातें महाना सैकड़ों से कम होकर सात रह गईं। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ कहते हैं कि कोयटा और पिशावर में भी खौफ के साए ढल गए। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई सिपहसालार ईरान के खिलाफ किसी फौज को इस्तेमाल करे। धमाके के दो सहूलतकारों को शनाख्त कर लिया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त में मदद देने वाले के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। 38 कैमरों की मदद से खुदकुश हमलावर और सहूलतकार को शनाख्त किया। एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमाते इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अनोखा एहतजाज। हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप में भैंसे बांध दी। धरने में शरीक कारकुनों की के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। MQM की एक और पतंग कट गई। इर्तजा फारूकी भी कमाल के हो गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची के 50% से ज्यादा इलाकों में पानी की लाइनें नहीं, शहर के लिए पानी का नया कोटा जारी किया जाए। कराची के मसाइल के हल के लिए PSP का धरना भी जारी। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। कुरानी तालीमात और उस्वा हसना पर अमल में ही फला है। उलमाए कराम इत्तफाक व इत्तेहाद की दावत दें। इमाम काबा सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम का नौशहरा में JUI के यौम तासीस पर खुतबा जुमा। नमाज जुमा की इमामत की सऊदी वजीर बराए मजहबी उमूर सालेह बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी ताकत और इत्तेहाद से वाकिफ हैं। Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where अमेरिका की शाम के खिलाफ पहली फौजी कार्रवाई। हल्क का हवाई अड्डा तबाह कर दिया। 6 शामी फौजी हलाक। 2 अमरीकी बहरी जंगी जहाजों ने बुहैरा रूम से 70 से ज्यादा क्रूज मिसाइल दाखिल। जहाजों और तेल के जखायर को निशाना बनाया। हमले पर रूस का सख्त रद्देअमल। अमेरिका के साथ फजाई हदूद की हिफाजत के सारे मुआहदे मुअत्तल कर दिए। लाहौर के इलाके सब्जाजार में फायरिंग से प्रोफेसर डॉक्टर कत्ल। अशफाक अहमद को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारी। पुलिस के मुताबिक हमलावर 20 साल का नौजवान था। वाकया जाति दुश्मनी का शाख्साना लगता है। डॉक्टर अशफाक वेटनरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके।
पहले मामला मैच फिक्सिंग का हुआ करता था, अब स्पॉट फिक्सिंग का है। साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया का कहना है कि मैच फिक्सिंग में दो चार लोग हुआ करते थे, स्पॉट फिक्सिंग में लोगों को ढूंढना मुश्किल है। हमें शर्जील और खालिद का मैंडेट दिया गया, शाजेद ने ट्रिब्यूनल जाने का फैसला किया, कोई इंसाफ कर सकता है तो जरूर करूँगा। अप्रैल के महीने में दिसंबर के मजे, मलका कोहसार में 35 साल बाद अप्रैल में बर्फबारी, सयाहों पर सहर तारी। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, रावलपिंडी में खराब मौसम के बाद परवाजों का शेड्यूल मुतासर, चित्राल में बर्फानी तोड़ा गिरने से दो अफराद दब गए। और सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 112 मील की रफ्तार, जमीन से अचानक 367 फीट की बुलंदी पर पल खाती रोलर कोस्टर। स्पेन में दुनिया की तेज तरीन और बुलंद तरीन रोलर कोस्टर का इफ्तिताह, सिर्फ हिम्मत वाले हो सवार, दूर रहे जिनके दिल हैं कमजोर।